हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डीके टेक्निकल गया। तो आप सभी आंगनबाड़ी बहनों का हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप सभी को पोषण ट्रैकर ऐप में जो मॉड्यूल दिए गए हैं, जैसे कि गर्भवती महिला को धात्री माता में किस प्रकार से ट्रांसफ़र करना है, जिसका मैं आपको आसान स्टेप बताऊँगा। आप मात्र 2 स्टेप फॉलो करके उस गर्भवती महिला को स्तनपान कराने वाली माता में बिल्कुल आसानी से ट्रांसफ़र कर पाएंगे। और साथ ही साथ जो 0 से 6 मंथ के बच्चे हैं, उनको 6 मंथ से 3 इयर्स वाले कैटेगरी में किस प्रकार से ट्रांसफ़र करना है, और जो 6 मंथ से 3 इयर्स वाले बच्चे हैं उनको 3 इयर्स से 6 इयर्स वाले बच्चे में कैसे ट्रांसफ़र करना है। तो आज के इस वीडियो में यही सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें, और उससे पहले आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, घंटी के बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। और पोषण ट्रैकर ऐप से रिलेटेड कोई भी आपके मन में सवाल या सुझाव है तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। वहाँ से जाके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, और पोषण ट्रैकर ऐप से रिलेटेड कोई भी समस्या आ रही है तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं पोषण ट्रैकर ऐप में, और वहीं पर चल के आपको सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे पोषण ट्रैकर ऐप ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद अब हम लोग को गर्भवती महिला से स्तनपान कराने वाली माता में ट्रांसफ़र करना है। तो वो कैसे करना है, जैसे कि यहाँ पे गर्भवती महिला का लिस्ट ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद जिस भी गर्भवती महिला का ट्रांसफ़र करना है उसके बगल में यहाँ पर 3 स्टेप 3 डॉट जो दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे 4 ऑप्शन खुल के आएंगे, जिसमें कि आपको माइग्रेट प्रोफाइल का ऑप्शन चूज कर लेना है। और माइग्रेट प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ स्टेप दिए जा रहे हैं, जैसे कि इनमें आपको ये कंडीशन हो तभी आपको इसमें सेलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे पूछ रहा है गर्भपात यानी कि 20 सप्ताह के भीतर अगर बच्चे की डिलीवरी हो जाती है, उस कंडीशन में यहाँ पे आपको ये वाला बटन सेलेक्ट करना है, और जो बच्चा मृत पैदा होता है उस कंडीशन में यहाँ पे सेलेक्ट करना है, और गर्भपात अगर होता है तो उस कंडीशन में इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। अगर इसमें से कुछ भी नहीं है तो आपको कुछ सेलेक्ट नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पर डिलीवरी की तारीख डालना है, जिस दिन बच्चे का जन्म हुआ है। यहाँ पे तारीख डालने के बाद यहाँ पे माइग्रेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। मात्र यहाँ से 2 स्टेप आपको फॉलो करने हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे डिलीवरी की तारीख डाल देना है, उसके बाद माइग्रेट कर देना है। माइग्रेट करने के बाद आपसे एक और ऑप्शन पूछेगा कि क्या आप इस गर्भवती महिला को स्तनपान कराने वाली माता में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, कैंसिल का और ठीक का। तो आपको क्या करना है, इस ठीक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद वो गर्भवती महिला से स्तनपान कराने वाली माता में ट्रांसफ़र हो जाएगी। इसी प्रकार से जिस भी लाभार्थी को ट्रांसफ़र करना है, यानी कि गर्भवती से स्तनपान कराने वाली माता में, आप 2 स्टेप को फॉलो करके ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और जब हमने गर्भवती महिला को स्तनपान कराने वाली माता में ट्रांसफ़र कर दिया है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो बच्चे दिखाई दे रहे हैं 0 महीने से 6 महीने, इस कैटेगरी को ओपन करना है, और ओपन करने के बाद यहाँ पे लाभार्थी जोड़े पे क्लिक करना है। लाभार्थी जोड़े पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे उस बच्चे का नाम लिख देना है, और यहाँ पे जन्म की तारीख डाल देना है। वो बच्चा मेल है या फीमेल यहाँ पर सिर्फ सिलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद माता पिता का नाम ऑटोमेटिक ले लेगा, मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक ले लेगा। और यहाँ पे आपको अब क्या करना है, बच्चे का जन्म के समय जितना वज़न है उसको यहाँ पे लिख देना है, और उस बच्चे की जन्म की ऊंचाई लिख देना है। आप इंच में लिखिए या सेंटीमीटर में, किसी में भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे एक सबमिट का ऑप्शन दिखने को मिलेगा, यहाँ पे सबमिट कर देना है। उसके बाद वो बच्चा इस 0 से 6 मंथ वाले कैटेगरी में ऐड हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है, जैसे कि अब हमने तो यहाँ पे गर्भवती से स्तनपान में ट्रांसफ़र कर लिया, और यहाँ पे बच्चे का एंट्री भी कर लिया। अब उसके बाद यहाँ पे 0 से 6 मंथ, अगर 6 मंथ पूरा हो जाता है बच्चे का, तो इसमें कैसे ट्रांसफ़र करना है। तो
और 6 मंथ से 3 साल जब बच्चे का पूरा हो जाएगा तो इसमें से इस वाले कैटेगरी में कैसे ट्रांसफ़र करना है। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि हमारा काम सिर्फ है कि गर्भवती से धात्री में ट्रांसफ़र कर देना है और इसमें बच्चे का इंट्री सिर्फ कर देना है। बाकी काम जो है यहाँ पे ऑटोमेटिक ही इस वाले कैटेगरी से इस वाले कैटेगरी में आ जाएगा। और यहाँ से बच्चा जो अब 3 साल का हो जाएगा तो यहाँ से 3 साल से 6 साल वाले कैटेगरी में ऑटोमेटिक ही चला जाएगा। आपको इसमें कुछ नहीं करना है। और जब बच्चा यहाँ से 6 साल उसका पूरा हो जाएगा तो इस बच्चे का नाम यहाँ से ऑटोमेटिक ही हट जाएगा। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे कि कैसे ट्रांसफ़र करना है किसी भी लाभार्थी का दूसरे लाभार्थी में। तो आशा करता हूं कि आप सभी को ये जानकारी आपको क्लियर समझ में आ गया होगा और ये वीडियो आप सभी को पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।